मेरा नाम है सुखराज। आज इस वीडियो में मैं ग्लो डर्मा के मॉइस्ट क्लींजिंग लोशन का डिटेल में रिव्यू करने वाली हूँ। ये जो क्लींजिंग लोशन है, इसको मैं काफी टाइम से जो है वो यूज कर रही हूँ और मैं अपना वही जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं। ये जान लेते हैं कि कौन सी स्किन टाइप वाले लोग जो हैं इस क्लींजिंग लोशन को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है तो ये जो क्लींजिंग लोशन है ना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इस क्लींजिंग लोशन की खासियत ये है कि ये ना आपके चेहरे से नेचुरल ऑयल जो होता है उसको रिमूव नहीं करता है। ये केवल फेस से इम्प्योरिटीज, डर्ट, फेशियल ऑयल या सीबम जो होता है ना केवल उसी को रिमूव करता है। इस क्लींजिंग लोशन को यूज करने के बाद में चेहरे पे किसी तरह की ड्राइनेस, फ्लेकीनेस या इरिटेशन जो है वो नहीं होती है। फेस वॉश करने के बाद में आपको ना आपका चेहरा बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज्ड एंड प्लम्प लगेगा। पैकेजिंग की बात करें तो ये जो क्लींजिंग लोशन है ना इस तरह की हार्ड जो है प्लास्टिक की बॉटल में आता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्लींजिंग लोशन जो है किस तरह का दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक व्हाइट कलर का जो है क्लींजिंग लोशन है। काफी क्रीमी इसका टेक्सचर है और ये ना एक सेमी लिक्विड टाइप का जो है क्लींजिंग लोशन है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ये क्लींजिंग लोशन ना सेंसिटिव स्किन के लिए एक्स्ट्रा जेंटल है। ये जो क्लींजिंग लोशन है सोप फ्री है, सल्फेट फ्री है एंड पैराबिन फ्री है। इसका पीएच लेवल ना 5.6 है। फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसकी फ्रेग्रेंस ना माइल्ड एंड अच्छी है। मुझे पर्सनली ना इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत ज्यादा पसंद है। ये क्लींजिंग लोशन 2 साल के एक्सपायरी डेट के साथ में आता है। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो आप ना अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये मेरे हाथ में 400 ml की बॉटल है जिसकी कॉस्ट 425 rupees है। मैंने इसे Amazon से 380 rupees में खरीदा था। प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है ना 125 ml एंड 200 ml की बॉटल में भी जो है अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इस क्लींजिंग लोशन को किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्लींजिंग लोशन जो है अपने हाथों में लेना है, फेस पे अच्छे से लगाएं एंड सर्कुलर मोशन में जो है अराउंड 1 से 2 मिनट तक जो है उसको मसाज करें। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से जो है अपने फेस को वॉश करना है एंड उसके बाद में ड्राई कर लें। इसके यूज से ना आपको अपनी स्किन ना बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड लगेगी। स्किन ना काफी ज्यादा जो है सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। क्लींजिंग लोशन के ना एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड मुझे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं हुआ है। ये जो क्लींजिंग लोशन है ना बहुत अच्छा है, मैं इसे जरूर रेकमेंड करूंगी। आप भी इसे यूज करके देखें एंड आई एम श्योर आपको ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा पसंद आएगा। गाइस अगर आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।